वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आप बताओ यार कैसे हो? सबसे पहले ये बताओ कैसे हो, मौसम कैसा है ये भी बताओ। हाँ यार, इधर तो गर्मी होगी जिस तरह के आप देख रहे हैं। पहले भाई अजीब ही मौसम है यार, कुछ समझ भाई की टोपी नहीं उतरी लेकिन और गर्मी हो गई, गर्मी हो गई भाई। काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं टोपी क्यों करता है। इस बार इसने भाई ने करवाई है मेरी टेंट, जो सीधी सी बात है। देखो यार, खुश्की बहुत हो गई थी बालों में, तो ये डैंड्रफ बहुत हो गई थी, डैंड्रफ हो गई थी, तो उसकी वजह से भाई ने गंजा करवा लिया। निकल आएंगे यार, घर की खेती है, तो फिर भाई आपको टॉपिक बगैर भी नजर आएंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने लगी है, हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट। फाइनली वो चीज स्टार्ट हो गई है जिसका काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे। एमका का निर्माण प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुका है, बनना तैयार हो गया एमका। एमका इंडिया का 5.5 जनरेशन का पावरफुल फाइटर जेट होने वाला है, स्टेल टेक्नोलॉजी वाला। तो बिना किसी देरी के देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, मजा आएगा। तो देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है वाकई में। और यार ये बहुत बड़ी बात है यार, कभी एम का इस तरह का मतलब तरीके से स्टार्ट कर दिया और इतनी तेजी से इस पर काम जा रही है कि आज तक मेरे ख्याल से किसी एयर और इंजन इसका सुनने में अभी, वो पहले तो वीडियो हम देखेंगे तब उसके बाद बात करेंगे। तो ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट ऑन करते हैं 3-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि एमका का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर उसके संबंधित आप फोटो भी देख सकते हैं और ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है और यकीन मानिए बहुत बड़ी और ग्राउंड ब्रेकिंग खबर है। और एमका के निर्माण में ये पहला मील का पत्थर है। और ये इतनी बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जो आप खबरें सुनते थे ना, वो सूत्रों के हवाले से आती थी, उनको लेकर कोई प्रॉपर इमेज नहीं आती थी। लेकिन अब भारत की तरफ से ऑफिशियली इसका ऐलान करके सब कुछ कंफर्म हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पहला एमका कब तक बनकर तैयार होगा, इसकी फ्लाइट टेस्ट कब होगी। इसके अलावा भी ढेर सारी एमका को लेकर अपडेट है, सब कुछ जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय ऑफिशियल की तरफ से कन्फर्म किया गया है कि एमका का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसको लेकर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ADA यानी कि एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, जो DRDO की ही एक शाखा है, इन दोनों ने मिलकर एमका की जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है, जो निर्माण कार्य होना है, उसको लेकर एक्टिविटी स्टार्ट कर भी दी है। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी जा चुकी है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। बताया गया है कि भारत फिलहाल 2 एमका एक साथ बना रहा है। इसका कारण ये है कि ये दोनों प्रोटोटाइप की तरह यूज किए जाएंगे, इन पर टेस्टिंग की जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ऐसे में अगर एक खराब होता है टेस्टिंग के दौरान, तो दूसरा हमारे पास मौजूद रहे। लेकिन अब वो खबर सुनिए जो आप सुनने के लिए बेताब है कि एमका कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो बताया गया है कि ये दोनों एमका 2023 तक यानी कि एक साल के अंदर रेडी हो जाएंगे। जी हाँ, उससे भी मजेदार बात यह है कि आप इन्हें जल्दी ही उड़ता हुआ देखोगे, क्योंकि इनके फ्लाइट टेस्ट होने हैं। ये दोनों एमका को उड़ाकर इनका परीक्षण किया जाएगा और ये परीक्षण 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में शुरू हो जाएगा। यानी कि अब से एक साल या ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल बाद आप एमका को उड़ते हुए अपनी आंखों से देखो। सोचिए कितना ज्यादा गर्व का क्षण होगा। भारत खुद का अपना एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ा रहा होगा। यानी कि आप देखिए चीन पाकिस्तान में क्या हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि एमका जिस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है वो उसे एशिया का सबसे ताकतवर और सबसे जाबड़ लड़ाकू विमान बनाने जा रही है। और आप खुद जरा इमेजिन करिए कि जब ये उड़ान भर रहा होगा तो चीनी मीडिया के तो तन बदन में आग लग जाएगी। वैसे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं कि इसे तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जाएगा। यानी कि इसकी जो फैक्ट्री होगी वो तमिलनाडु में ही होगी। कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर मैं पूरी नजर बनाए हुए हूँ, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये खुशखबरी आपको कैसी लगी। बहुत अच्छी यार, वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। इसी के साथ बहुत अच्छी यार, बहुत बड़ी खबर है। फाइनली
HAL की तरफ मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर आता स्टार्ट हो गया, उसने बता दिया। अभी तक तो बाहर से सूत्र निकल के आते थे, कब स्टार्ट करेंगे लोगों को बता दिया गया ऑफिशियली HAL की तरफ से। और हाँ, मतलब जो के बाकी यार एशिया का इसको बोला जाए ना, मैं यही कहता हूँ एशिया का ये सबसे खतरनाक सच में बता रहा हूँ विमान होगा। और इस तरह का रशिया के पास भी नहीं है, के पास भी मतलब चाइना का चैंगल तो करीब भी नहीं आता। चाइना का जिस तरह बोल रहे थे ना कि मतलब वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का या जो कुछ ये उससे बढ़कर होगा। और वाकई में जब ये तैयार होगा ना तो चाइना को मैं कहता हूँ वाकई तन बदन में आग लग जाएगी। चाइना उसकी मेन वजह ये है कि इस टाइम एशिया में चाइना के पास ही है इस तरह का मतलब जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को उन्होंने बनाया है। मतलब रशिया के पास है लेकिन वो इस साल के अंदर अंदर उड़ भी रहा होगा, एक साल के अंदर प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाएगा। इंडिया मतलब अपने लिहाज से मतलब उसकी टेस्टिंग करेगा। और मैंने जितना सुनने में आया इंजन तकरीबन 50% इंडिया बनाएगा, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी अमेरिका दूसरा बनाएगा नहीं, मतलब काफी टाइम लगता है। तो मतलब 50% तक तकरीबन इंडिया इस पे काम करेगा। अच्छा। और बाकी फ्रांस और अमेरिका की मदद ली जाएगी। अमेरिका मतलब एक लिहाज से जाहिर बात नहीं, तो इंडिया को जल्दी चाहिए क्योंकि इंडिया का दुश्मन चाइना है। जो कुछ ना कुछ आज भी कोई प्रोपेगेंडा की उसकी पोस्टर लगी। एक तुम इस बात से आइडिया लगा लो, एक साल के अंदर अंदर इतना हैवी किस्म का मैं कहता हूँ 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट अगर रेडी हो रहा है तो तुम इस बात से स्पीड से आइडिया लगा लो कि कितनी स्पीड से इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। बहुत यार भाई, ये इंडिया का मतलब अभी हर चीज में आत्मनिर्भरता अपनी मतलब खुद पे इंडिया करना चाह रहा है। बिल्कुल, पहले क्या सीन था, इंडिया बाहर से मंगवा लेता था, वो इंडिया का नुकसान था। अब देखो मतलब बाहर से तुम मंगाओगे, आज रशिया का क्या हाल है, जो बाहर से जिन चीजों पर निर्भर था वो चीजें मिल ही नहीं रही यार। अभी देखो वक्ती तौर पर इंडिया ने अमेरिका से और फ्रांस से मदद ली है, लेकिन ये इमरजेंसी तौर पर क्योंकि बहुत सारी जगह साथ साथ इंडिया खुद बनाता रहेगा। और बहुत बड़ी यार एम का बन गया ना तो चीनी मीडिया के होश उड़ जाएंगे। सही बात, मीडिया क्या, मैं एक तुम्हें बात बताऊं, ये एम का अगर बन गया ना मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के होश उड़ जाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया बहुत से देशों से मतलब एयरक्राफ्ट के बारे में बात करता था, खरीदता था सब कुछ, अब अपने मैं कहता हूँ उसके बाद इंडिया को राफेल की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। गाइस आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।